एक ही ग्राम पंचायत बोदा से है जहां पर शासकीय प्राथमिक शाला बोदा में मास्टर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जी हां, समय 10:30 होने के बावजूद मास्टर स्कूल पहुंचते हैं 12 बजे और 2 बजे बंद कर घर को रवाना। ये हम नहीं, खुद स्कूल के छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। अब अगर ऐसा ही हाल रहा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? अब अगर मास्टर ऐसी ही लापरवाही करेंगे तो आने वाला समय बच्चों के लिए अंधकार का समय होगा। अगर ऐसा ही हाल रहा तो गरीबों के बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनको केवल 2 घंटे ही शिक्षा मिलेगी तो गरीबों के बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या सरकार मास्टरों को मनमानी करने की पगार देती है? अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार का कोई भय नहीं है इन मास्टरों को? अगर सरकार को इतने बड़े कदम उठाने के बाद भी मास्टर अपनी मनमानी करते हैं तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? कितने बजे आते हैं मास्टर? 12 बजे आते हैं। जाते कितने बजे हैं? 2 बजे चले जाते। क्या नाम तुम्हारा? बलराम। कौन सी क्लास में? जो टीचर्स हैं वो 11 और 12 के बीच में, जो कि टाइम 10:30 तक ग्राम पंचायत बोदा में मैंने खुद जाके देखा है, तो टीचर 12 बजे नहीं पहुँचते। देखिए अभी शुरुआत है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। इसके बाद मैं खुद शाला में जाऊंगा, यदि मुझे अनुपस्थित मिलेंगे तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मैं टीप लगाऊंगा अनुपस्थित की, और जो भी उस एरिया में पत्रकार महोदय होंगे उनको साथ में लेके जाऊंगा। हर स्कूल को मैं चेक करूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। कुछ स्कूलों में बच्चे 4 हैं, टीचर 5 हैं, और कुछ में बच्चे काफ़ी हैं और टीचर 1 भी नहीं है। ऐसे मामलों में क्या कहेंगे? इनके लिए मैं DO से बात करूंगा, जहां पर शिक्षक कम हैं वहां से शिक्षक उस स्कूल में किए जाएँ जहाँ पर कम शिक्षक हैं। अब जब 4 लड़के हैं तो वहाँ 1 ही शिक्षक काफ़ी है, वहाँ के 4 लोगों को हटा के दूसरे स्कूल में करवाया जाएगा।